नाजरीन और हाजरीन, ये हमारा जो है ट्रेडिशनल चक्की पीसने का जो है वो मशीन है। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पर है। ये सबसे ये जो है इसको कहते हैं, ये पत्थर का बना हुआ होता है और इसको मिल स्टोन भी कहा जाता है। इससे जो है बेसिकली काम ये होता है कि ये पीसने का काम करता है। इसमें सुराख, ये सुराख जो है यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रेन्स जो है वो इसमें गिरते हैं। और ये जो है ना मेन बॉडी है, इसको प्योर जो है ना एक लकड़ी को काट कर इसको बीच में से होलो बनाकर, जिस तरह आप देख सकते हैं इसके अंदर ये होलो है, इसको बनाया जाता है। इसके अंदर ग्रेन्स डाले जाते हैं जो कि इस पॉइंट से अभी फ़िलहाल ये ज़रा सही असेंबल नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल ना होने की वजह से, तो यहाँ से ये ग्रेन गिरते हैं सीधा इसके अंदर। और ये जो पार्ट है ये इसको इसके ऊपर रखा जाता है, जिसके इसके वाइब्रेशन से ये भी वाइब्रेट होता है और वाइब्रेट होकर ये ग्रेन के गिरने के उसको कंट्रोल किया जाता है। यहाँ से ये जो हमारे पास जो पिसा हुआ आटा है वो इस एरिया में स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद यहाँ से इसको कलेक्ट करके निकाला जाता है। और इसके वर्किंग मैकेनिज्म ये है कि ये नीचे एक वाटर टरबाइन के साथ कनेक्टेड है, जिसको ऊपर हाइट से पानी गिराने के बाद उस वाटर टरबाइन को घुमाया जाता है। तो वैसे वैसे के लिए काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके बेस पर सारे वो बन गए। व्यूअर्स, ये वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू इसको रन किया जाता है। जो एरिया जहाँ पर वहाँ पर एक डैम की सूरत में एक पानी को स्टोर किया जाता है, स्टोर करने के बाद ये इसका एक चैनल है। ये चैनल भी प्योर लकड़ी से ही बने, लकड़ी के एक बड़े से ट्रंक को जो है ना बीच से काट कर इसको एक नैरो शक्ल दी गई है, जिससे वाटर का हाइट की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होने के बाद नीचे जाके ये एक टरबाइन है, उस टरबाइन को हिट करता है। ये वो टरबाइन है, बेसिकली इसके ऊपर फिन्स लगे होते हैं। अभी ये काफ़ी अर्से इस्तेमाल ना होने की वजह से वो फिन्स ख़राब हो गए हैं, क्योंकि अभी हमारे इलाके में इस इन मिल्स का इस्तेमाल तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि बिजली के मिल्स ने इनको रिप्लेस किया है। तो ये जो एरिया हमारे पास लगा हुआ है इसको बेसिकली शाफ्ट कहा जाता है। और इसके जो बीच में छोटे छोटे जो आप लोगों को स्पेसिस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर लकड़ी के फिन्स लगाए जाते हैं। और वो जो लकड़ी वहाँ पर आपको नज़र आ रही है पाइप की सूरत में, उससे प्रेशर में पानी आके इस फिन्स को टकराता है, जिससे ये शाफ्ट घूमता है। और शाफ्ट घूमने से ऊपर जो मिल स्टोन जो लगा हुआ है वो घूमने से ये पूरा मैकेनिज्म इसका चलता है। तो ये बेसिकली हाइड्रो पावर टेक्नोलॉजी का सबसे इनिशियल स्टेज है। इसी से आइडिया लेकर जो है ना हाइड्रो पावर प्लांट बनाए गए हैं, जिस और वो आज पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रही है।